ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ वही सब एक्शन करने हैं लोग शादियों पे कूल बनने के लिए गोलियां लगा देनी बाय चांस किसी को लग भी जाती है सिखिज्म जो मिल रहा है साडे गुरु साहब ने तो कहा कि तोड़ा जड़े तोड़े कोले हथियार होना जरूरी है मैं तो अपनी सेफ्टी लिए अपना और रखूंगा क्योंकि लाइसेंस ही रखूंगा ये तो सही है सत श्रीकाल जी मैं अलीन सानी तुसी देख रहे हो फाइव वुड ते बहुत बहुत स्वागत है जी सारिया दा ते अज असी पहुंचे हां जी पंजाब यूनिवर्सिटी ते अज दा मुद्दा हैगा है जी पंजाब सरकार ने गीता दे विच हथियार बैन कर दिते ने ते ओही सवाल लेके आए कि यूथ उत्ते उहनां दी जिंदगी उत्ते इन्हां गीतां दा जिन्हां विच हथियार दिखाए जांदे सन उसका असर पैंदा सी कि नहीं पैंदा सी ते ए जो सरकार ने फैसला लेता है वो ठीक है कि गलत फिर देर किस गल दी चलो सत श्रीकाल पहला तो बहुत बहुत स्वागत सत श्रीकाल अपना नाम दस दो इनायत कृतिका ओके इनायत जी और कृतिका जी जिमें साडा अज दा सवाल है कि जिहड़े पंजाब सरकार ने हथियारां वाले गीत जिहड़े बंद कर दिते है पहला दसो हथियारां वाले गीत होण या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो यूथ ते असर पैंदा सीगा डेफिनेटली पड़ता है एंड एवरीबडी उसके साथ इन्फ्लुएंस तो होती हैं स्पेशली यूथ का जो माइंड होता है थोड़ा फ्रिजाइल होता है एंड वो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होते हैं व्हाट आई फील या जी हुन जो पंजाब सरकार ने कदम रखा लिता हैगा इन्ना वड्डा है ना कोई भी गीत नहीं होएगा तो घट तो घट यूज किते जाएंगे फिल्मों के भी एटलीस्ट तो उस लैके थोड़ा विचार पॉजिटिव इट इज़ अ नाइस चेंज मेरे को लगता है इट इज़ अ गुड थिंग टू डू बिकॉज अल्टीमेटली पीपल डू गेट इन्फ्लुएंस स्पेशली पंजाब में सबको पता है वायलेंस के केसेस एंड एवरीथिंग दे वर इंक्रीजिंग तो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट तुम दसो थोड़ा की विचार है यही है कि यूथ का माइंड बहुत फ्रेजाइल है और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आता है जैसे खास करके जो ये एज होती है टीन और इसके जो एडल्टहुड में जब बच्चा स्टेप कर लेता है तो जो खासकर जो पंजाबी म्यूजिक वीडियो में जो दिखाते हैं कि जैसे बहुत ही ग्लैमर और शो ऑफ है वेपन के साथ लेके गाड़ियों में घूम रहे हैं कुछ भी चल रहा है इस तरह से तो इन्फ्लुएंस पड़ता है और डेफिनेटली जब बच्चे को एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है जब अपने पेरेंट के घर से बाहर निकलता है तो ये सब चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है जो स्टेप लिया है तो आई थिंक इट्स इन अ गुड वे पॉजिटिव वे कि रिफ्रेन कर सके उस चीज़ से किसी सिंगर नू जान दो जिन्हां दे गाने सब तो ज़्यादा हथियार यूज़ किए गए ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है मुझे आई थिंक ऑल पंजाबी सिंगर्स एक ही गाना याद रहा इस टाइम पे वो करण नहीं करण औजला करण औजला ने लगदा सब तो ज़्यादा हथियार यूज़ किए आई डोंट थिंक सो बट लाइक सभी करते हैं ऐसे तो ऐसे जैसे जो लेट सिद्धू मूसे वाला वो भी करते थे ऐसे करण औजला भी थोड़ा बहुत करते हैं मन की रतौलक भी यूज़ करते हैं एवरीबडी यूज़ करते ही है बने आई गेस पिंड तेरा सारा गैंगलैंड बने तो सीन कि तुसी एक समरी देना चाहते हो जो वर्ड्स भी होंगे वो भी यूज़ ना किते जान तो बैटर यस आई वुड से कि ना यूज़ करते इट इज़ बैटर सो सरना सर मौजूद है पहला अपना नाम दस दो सर दिलबाग मैम दिलबाग जी दिलबाग जी जिमें अज का सवाल हैगा कि जेडे हथियारा वाले गीतों पर पंजाब सरकार ने बैन लाती उड़ा रिएक्शन यूथ का रिएक्शन मैम यूथ का रिएक्शन ये है कि मैं अपने आप को यूथ समझता भी हाँ तो शायद हो सकता अपनी अपनी सोच है मैच्योरिटी है कि आपां नूं इन्हां चीज़ां लई प्रभावित होना भी चाहिए तो नहीं भी तो गल ये है भी जे कोई बच्चा सोचता है ना अट्रैक्ट होंगे हैं तो बैन होना भी चाहिए बट फिर भी सानू अपने पेरेंट्स बारे अपनी फैमिली बारे उस चीज़ों सोचना चाहिए तो फिर उस तो बाद कोई सानू कदम लेना चाहिए सो यही कह सकते हैं भी बैन किया तो वधिया गल है बाकी आपू अपनी सूझबूझ है कि कोई एड्डी गल होंगी भी नहीं जो हथियार आते हैं पहला भी आते थे जो जो बंदा मैच्योर होंगे तो बंदे लिए ये चीज़ा छुट्टियाँ हो जाए तो बंदा अपने परिवार लिए अपने लिए सोचता है तो फिर ये चीज़ा इफेक्ट नहीं कर दिया बाकी जो कोई सरकार ने कदम लिया तो वह भी वधिया गल एक मैं लास्ट हैगा कि जेडे तुहानू की लगता इदा दे किहड़े सिंगर सीगे जिन्होंने सब तो ज़्यादा अपने गाणियां ते हथियार यूज़ किए मैम सुने ही नहीं हूँ मैं भी एक यूथ हाँ बट मैं नहीं सुनता मैनू मतलब प्यार मुहब्बत वाले गाने अच्छे लगते हैं क्योंकि शायद मैं प्यार करता सारों तो ठीक है मैनू नहीं लगता कि मैं कभी सुने ही नहीं गए जिन्ना दे आए भी हैं मैं सुनता ही नहीं गा हाँ अपनी अपनी सो जी गलबात जारी हैगी है तो साढ़े नाल दो सोनिया सोनिया कुड़ियाँ बैठिया पहला गलबात कर लेने सत श्रीकाल नव्या ओके आपका प्रियांशी ओके तो मैम आज का जो टॉपिक है वो यही है कि पंजाब सरकार ने जो यूथ के जो मतलब सिंगर जो गाने गाते थे वेपन्स को लेकर है ना उनके गानों में यूज़ किए जाते वो हो गए बैन
तो उसके ऊपर मैं यूथ का रिएक्शन चाहूंगी कि इन्फ्लुएंस होता था, अगर होता था तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है? आई थिंक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था. अब तो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं पंजाबी गाने, देखते हैं वीडियोज़, देखते हैं. मेरा तो खुद का भाई यही 7 years old, वही सब एक्शंस करने, लोग शादियों पे कूल बनने के लिए गोलियां लगा देनी, बाई चांस किसी को लग भी जाती है. तो ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंसेस होते हैं, इधर उधर जाते हैं. आई थिंक कूल बनने के लिए लोग ये सब बहुत करने लग गए हैं, तो ऐसे में दूसरे लोगों को भी हर्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है. सही है, आप क्या कहना? मेरे अकॉर्डिंग कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इससे लोगों के ऊपर. बच्चे आजकल उनको चाहिए होता है गेम्स में भी कि गन फाइटिंग एंड ऑल, और उसके बाद उनको जो चाहिए होता है ना कि ऐसे टॉयज़ हैं, गन वाला टॉयज़ चाहिए हमें, ये वाला चाहिए, फिर वो डिस्काउंट डिस्काउंट वाला खेलते हैं, तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस होता है, उनका माइंड सेट ऐसा बन जाता है वॉयलेंस वाला. सत श्रीकाल सर, पहले अपना नाम शरणजीत सिंह. मैम भी साढ़े नाल मौजूद है, अपना नाम अंशिका सचदेव. सर जिदा हथियारा वाले गीत, जिदा गीता दे विच जिहड़े हथियार यूज किए जाते हैं ना, पंजाब सरकार वालों बैन कर दिते गए, तो यूथ इन्फ्लुएंस होंदा सी उन्हां चीज़ां नूं लैके? नहीं देखो, जिहड़े गीतां च जिहड़े हथियार वरते जांदे मेरे ख्याल मोस्टली तां टॉय ही होंदे आ, इन्ने ओह नहीं होंदे, ओरिजिनल तां नहीं होंदे, ते बाकी जिहना कोई हैगे ओह अपने सेफ्टी लई, अपने सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते होंदे. किसी दा बिजनेस है, किसी दा कुछ कारोबार है, उन्होंने अपने सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते रखे आ. बाकी जिहना ने हुण जिहड़े हुण अमली है जां कुछ इदां, ओह जिहड़े हुण इदां यूज़ करदे आ उन्हां दा, ते ओह तां गलत गल आ. चलो ओह बैन होने चाहिए आ, ओह फड़ने चाहिए अपने जिहड़े सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते, उन्हां नूं तां नहीं बैन करना चाहिए. बाकी हुण हिंदी मूवी च किदां इन्ना कुछ चलदा वा, तो पर पंजाबी गाने जो तो कुछ भी नहीं है, मुकाबले 2% भी नहीं है कम, तो इन्ना का कोई चक्कर नहीं है. फिर क्यों लोग कहते कि पेरेंट्स साढ़े खुद ते भी पेरेंट्स बोलते होने की दिखाई जाते हैं ना, साढ़े पेरेंट तो यही कहें भी ठीक है अपनी सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते रखे तो कोई चक्कर नहीं है, तो उदा क्यों गलत आप यूज़ करी दा नहीं, गलत हूँ अं रखे तो आप अपनी सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते रखे है, अपना साढ़ा बिजनेस है तो अं अपनी सैल्फ प्रोटैक्शन वास्ते रखे, इदा थोड़ी ना पब्लिक प्लेस तो थोड़ी ना यूज़ करा, वो तो हूँ अपनी सोचनी तो हिसाब ना हूँ हर कोई चलता. यूथ इन्फ्लुएंस होंदा है कि नहीं होंदा है? मतलब बट इन्ना नहीं, उन्होंने पूरा पता होंदा कि किस वे, जिवें उन्होंने दस्या कि किस वे आप यूज़ करने आ, तो किदा नहीं. अद्धे लोगों ने तो पता ही नहीं होंदा कि क्यों यूज़ किए जाते हैं, बाकी कई तो फालतू भी यूज़ करते हैं. इदा नहीं कि नहीं करने चाहिए, बट होना चाहिए हर एक बंदे को. इदा हूँ तुहानू भी पता कि माहौल चल रहा, तुम देख ही लिया कि माहौल है, इतने तो सिस्टम इदा चोर डाके पै जाता कम, हम अपने वास्ते सेफ्टी वास्ते चाहिए. मैं मेरी सोचनी तो यही है भी मैं तो रखूँगा, सीधी जी गल है, मैं तो कैमरे से कहना आ कट ना करो भी, मैं तो अपनी सेफ्टी लिए अपना वो रखूँगा, क्योंकि लाइसेंस ही रखूँगा, ये तो सीधी गल है. बाकी सर पता ही है तुम्हें. इदा के कोई सिंगर जानते हो जो सब तो ज़्यादा अपने गाने हथियारों का इस्तेमाल? पता ही है, वो तो दसन की लड़ ही नहीं है मेरे ख्याल है, नहीं दसन की लड़ ही नहीं है, सारा पता हो जूगी. सिद्धू मूसेवाला ही अपना अबीर ही है, कोई चक्कर नहीं है, बाकी भी सारे करते, बट वो अपने तरीके ना, उन्हें अपनी सिस्टम के हिसाब ना दसिया भी जिदा की वो लाइफ, उन्हें अपनी लाइफ ही सारी दसी है. सिद्धू मूसेवाला की गल की, तो लगता वो जो तो पहले से तो उन्होंने उन्ना बोलिया जाता से एक ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तू बिगाड़ रहे हैं, जो हूँ पहला बोलिया जाता ही, पहला अं भी बोलते हैं, जो तो चले गए. हाँ बाद सोच बदल गई थोड़ी, क्योंकि जदों उस तो बाद मतलब उस तो पहला एक दो बार मिले हैं, कोई एक दो मंथ पहला मिले हैं जिमें, तो फिर मिल के पता लगता कि बंद पहला इदा जज किया है, जो मिलन तो पता लगता भी हाँ ये बंदा कि नहीं आ, फिर थोड़ी थिंकिंग चेंज हुई एक दो महीना पहला. उस तो पहला तो अं भी कही भी नहीं यार एवें करी जाता वा, तो गलत गल आ, तो पहले जो मिल के फिर हरेक बंद मिल के पता लगता कि नवे मिलेंगे बेचेंगे, तो फिर उस हिसाब ना चलता सिस्टम, बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, वो तो बहुत वाडा घाटा हो. सत श्रीकाल सर, पहले अपना नाम दस. मेरा नाम बलविंदर सिंह, तो मेरा डिपार्टमेंट एम एस्ट्रोलॉजी. इधर स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल. तो यूथ नाल ही असं अज गलबात करन आए हैं, जिवें कि पंजाब सरकार ने ना गीता दे विच जिहड़े हथियार है उन्हां नूं बैन कर दिता है, तो मैं ये पूछना चाहनी कि यूथ साडा इन्फ्लुएंस होंदा सीगा इन्हां चीज़ां तो? मैं बिल्कुल मानते हैं इस गल नूं, असीं जदों एक टीनएज च होंदा बच्चा कोई भी होवे भावें वह किसी भी गल नूं लैके इन्फ्लुएंस होंदा इहो जिहियां एक्टिविटीज़ तों, वह मैं कल्ला मतलब कि हथियारां दे बारे नहीं कह रहा, बाकी किसी भी चीज़ तो हो, मतलब कि वह जिहड़ी एज होंदी आ वह उस एज इन्फ्लुएंस होना आम जी गल है. मतलब जदों सरकार ने बैन किया तुहानूं लगदा है ठीक किया? बिल्कुल ठीक नहीं किया जी. ठीक नहीं बिल्कुल ठीक नहीं किया मैम. मैम देखो
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਂਗ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਊਂਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਉਲਟਾ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਮੈਮ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਤੇੜਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਸ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਦਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸ? ਮੈਮ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ 2-4 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ? ਮੈਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੈਨ ਹੈ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਮ ਉਹ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 5 ਵੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੀਨ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 5 ਵੁੱਡ, ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।